बांदा जनपद के बबेरू नगर पंचायत के उपचुनाव को लेकर इन दिनों सरगर्मियां तेज हैं। इस उपचुनाव में 10 प्रत्याशियों ने अपनी उम्मीदवारी दर्ज कराई है। भाजपा, सपा, कांग्रेस, आजाद समाज पार्टी सहित विभिन्न निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी अपनी जीत की कोशिशों में लगे हुए हैं। बबेरू नगर पंचायत उपचुनाव को लेकर के इस समय सरगर्मियां काफी तेज हैं और खासकर अगर बबेरू की बात की जाए तो बबेरू नगर पंचायत जो कि नगर पंचायत अध्यक्ष की मौत होने के उपरांत में यहां की सीट रिक्त हुई थी और यहां से पुनः उपचुनाव बबेरू के नगर पंचायत के होने हैं, जिसको लेकर के 17 दिसंबर की मतदान की तारीख जो है सुनिश्चित की गई है। फिलहाल जो है यहाँ विभिन्न पार्टियाँ जो कि भाजपा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी आजाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो है जमीनी स्तर पर उतर करके अपने चुनाव प्रचार को अंजाम दे रहे हैं और अपना अपना जो है चुनावी रणभेरी पे जो है योगदान दे रहे हैं कि जीत हमारी सुनिश्चित है। हर कैंडिडेट से जहां नेशन मिरर के जो है ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग के दौरान में ये पता चला है, हर कैंडिडेट से बात करने के बाद में वहाँ हर प्रत्याशी ने अपना अपना दावा अपनी अपनी तरीके से पेश किया है। वहीं आज आजाद समाज पार्टी के जो है जो प्रत्याशी है फुलन भैया गुलचंद जो कि ये भी नगर पंचायत के उपचुनाव को लेकर के जो है प्रत्याशी बनाए गए हैं, इनसे बात करते हैं कि किन किन मुद्दों पर जो है चुनाव लड़ेंगे और क्या क्या इनके जो है फोकस के बिंदु रहेंगे। सर प्रथम तो भैया आपका नमस्कार, नेशन मिरर के लिए जो है आप चुनाव पे उतरे हुए हैं नगर पंचायत के उपचुनाव को लेकर के, खासकर जो है क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके इस चुनाव पे? मेरा फुल टर्न सोनी नाम है, मैं समाज आजाद समाज से चुनाव लड़ रहा हूँ और पार्टी ने मुझे घोषित किया। अगर मैं चुनाव जीत गया तो मैं दलित बस्तियों, हर बस्तियों जाके सब काम कराऊंगा, नाला और निकासी और रोड बनवाना, साफ सफाई कराना, ये पहला काम मेरा सब कुछ रहेगा। मैं हर जगह जा के देखा हूँ, कहीं रोड गरीबियों को जगह तो रोड बने ही नहीं है। अगर कोई जाके वहाँ देख ले, कोई अधिकारी जाके देख ले, अगर उन मोहल्लों में रोड बनी हो, उन जीतने के बाद वो रोड बनवाऊंगा, पहला मेरा काम हो गरीबों की बस्ती में रोड बनवाना। जहाँ काम नहीं हुआ वो काम कराऊंगा और विकास करूंगा। काम के क्रम पे जो उम्मीदवार मैदान पर आए हुए हैं उनमें कांग्रेस से प्रत्याशी राम नरेश मिश्रा जी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि वो इस चुनावी समर पर कूदे हुए हैं, कैसा लोगों का जन समर्थन मिल रहा है, कैसा उनको सहयोग मिल रहा है, इन सभी बिंदुओं पर हम बात करेंगे। सर नमस्कार, आपका स्वागत है नेशन मिरर में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब जी। खासकर अगर जो है बबेरू नगर पंचायत के उपचुनाव की बात की जाए जी तो आप मैदान पर उतरे हुए हैं, कांग्रेस ने आप पर भरोसा किया है, किन किन मुद्दों पर फोकस रहेगा चुनाव जीतने के बाद? निश्चित रूप से साकेत जी, बबेरू नगर पंचायत में आज तक जितने भी प्रकार से विकास का क्रम आगे बढ़ा, अगर कम शब्दों में कहें तो नियोजित और अनियोजित दो बिंदुओं में टकरा रहा है बबेरू। मेरा पहला प्रयास होगा कि बबेरू का जो भी विकास हो वो एक सुव्यवस्थित प्लान के तहत हो, अनियोजित ना हो। जैसे कि बबेरू में मैं पिछले 15 से 20 सालों से बराबर एक समस्या को देख रहा हूं कि जो भी चेयरमैन या विधायक जी या सांसद जी, सबके सामने एक मुद्दा उठता है यहाँ की जल की निकासी का। जल निकासी की समस्या मुद्दा तो आता है लेकिन आज तक वो धरातल पर नहीं उतरा। तो निश्चित रूप से मेरा पहला प्रयास होगा कि उसके लिए मुझे संबंधित विभागों से लखनऊ या दिल्ली तक जाना पड़े, लेकिन मैं जा करके इस बबेरू के इस जल की समस्या को कैसे छुटकारा दिला पाऊंगा उसके लिए मैं काम करने का प्रयास करूंगा। नेशन मिरर की टीम से बांदा से साकेत अवस्थी की रिपोर्ट।